गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोगों को कंपनी अकाउंट्स का एक सम इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इशू का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें फॉर फ्यूचर जितना शेयर का है, री इशू करते वक्त नंबर ऑफ शेयर को कम कर दिया गया है, तो से फॉर फ्यूचर है 100 शेयर का, तो री इशू लेस देन 100 होगा। यहां आप एक नजर देख लीजिए, यहां पे फॉर फ्यूचर है 200 शेयर का बट री इशू है 150 शेयर का। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, इसमें खास बात यह है, ये री इशू एट प्रीमियम है। यहां देखिए, री इशू एट 105, शेयर 100 का है और आप री इशू करोगे 105, 5 रुपया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा या ज्यादा लेते हैं, उसी को तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। तो ये री इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम दिखने को मिलता है। जनरली री इशू एट डिस्काउंट होता है। अर्लियर लेक्चर्स में हम इस बात को कवर किए हैं, री इशू एट डिस्काउंट्स। ये पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जो री इशू एट प्रीमियम है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कैपिटल रिजर्व के समय में खास ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, बनाना क्या है? इस बार देखिए, कैशबुक और जर्नल बनाना है। कैशबुक अगर हम बनाते हैं तो बैंक से रिलेटेड सारा एंट्री को हम कैशबुक में लिखेंगे और नॉन बैंक वाला एंट्री को हम जर्नल में लिखेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां कंपाउंड एंट्री होता था, बैंक और अदर आइटम दोनों डेबिट होता था, तो उस एंट्री को दो पार्ट में लिखेंगे। बैंक वाला एंट्री कैशबुक में लेके चले जाएंगे या नॉन बैंक वाला एंट्री जर्नल में लेके आएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। चलिए सोल्व स्टार्ट करते हैं इसका। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, इन द बुक्स ऑफ जिंदाल लिमिटेड। हम लोग 15,000 शेयर इशू करना चाहते थे। 100 रुपया वाला शेयर था, 10% प्रीमियम, 10 रुपया प्रीमियम था। एप्लीकेशन 15,500 का आया था। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन बेसिक आया था 15,500 इंटू 25, 15,500 का एप्लीकेशन आ गया, जबकि शेयर हम लोग का 15,000 शेयर था। अब 25 रुपया बेसी आ गया 387,500। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हम लोग शेयर तो 15,000 को ही अलॉट करेंगे। जाते हैं नीचे जर्नल में, जर्नल में गए, शेयर देना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 को शेयर देंगे 25 करके 375,000 being application money transferred। हम लोग 500 को शेयर नहीं दिए तो उनको उनका पैसा रिफंड कर देंगे बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम लोग 500 को शेयर नहीं दिए, उनको उनका 12,500 रिफंड कर देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, थोड़ा बेसी रिसीव होगा, ट्रांसफर अपना नॉर्मल है और एक्स्ट्रा को वापस कर देंगे। ये हुआ नॉर्मल एंट्री हम लोग का मार्केट में। 15,000 शेयर रह गया। अलॉटमेंट का दाम 50 रुपया बोला है, जिसमें 10 रुपया प्रीमियम का ले लेंगे। 10% प्रीमियम था, 10 रुपया प्रीमियम था।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 × ₹50 करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 × ₹40 करेंगे 6 लाख और ₹10 प्रीमियम में ले लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 15,000 × ₹10 ₹1,50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट कोई फेल नहीं करेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल होगा तो अलॉटमेंट पूरा मिला है तो कैश बुक में ले आते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा पैसा 7,50,000। नरेशन देते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब एक ही कॉल है जिसका नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35 करके दाम है, चलिए ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 शेयर है 35 करके ड्यू होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 35 दाम था 5,25,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। लेकिन जब यहां रिसीव का बात है तो 200 शेयर पे एरियर है तो 200 शेयर का एरियर पहले यहां लिख देते हैं। कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 200 शेयर का 35 करके नहीं मिलेगा, दैट इज 7,000 नहीं मिलेगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। अगर हम 525 ड्यू किए थे और 7,000 नहीं मिलेगा तो 518 मिलेगा तो कैशबुक में टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 518 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। यहां हमारा हो गया फाइनल कॉल तक पहुंच गए। अब इस 200 शेयर को फॉरफिट करना है, ये 200 शेयर फॉरफिट किया जाएगा। 200 शेयर फॉरफिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 200 शेयर है ₹100 का, दैट इज 20,000। अच्छा, ₹10 प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे कर दिया है, कॉल में फिल किया है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा रियलाइज्ड है, छोड़ देते हैं। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एरियर आया था 7,000, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट माइनस कर देंगे 13,000 बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 200 शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। अब ये 200 शेयर जो फॉरफिट हुआ है इसको हम लोग रीइश्यू करेंगे
जब री इश्यू करेंगे तो क्वेश्चन में ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बोला है 150 शेयर री इश्यू करना है, 150 शेयर री इश्यू करना है 105 रुपया, तो 5 रुपया तो प्रीमियम ही होगा, बैंक डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, ये कैशबुक का एंट्री हो गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 150 शेयर माने 15,000, प्रीमियम 750। 150 शेयर 100 रुपया, 15,000 और 5 रुपया प्रीमियम 750। ठीक है, अब हमको जर्नल एंट्री लास्ट करना होगा फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब हमको यहां सवाल को क्लोज कर देना, इसका अमाउंट चाहिए। ये देखिए प्रॉफिट था 13,000, प्रॉफिट था 200 शेयर का, तो कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिए। प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर ऑफ 150 शेयर, हम लोग फॉर फ्यूचर किए हैं 200 शेयर, ठीक है, फॉर फ्यूचर किए हैं 200 शेयर, बट री इश्यू करेंगे 150 शेयर, तो हम लोग का ये जो प्रॉफिट था 13,000, ये 200 शेयर का था, उसको 150 शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। प्रॉफिट उतना ही शेयर का कैलकुलेट होता है जितना शेयर री इश्यू किया गया था। 13,000 से जो शेयर फॉर फ्यूचर में देख रहे हैं वो 200 शेयर का है, उसको हम लोग 150 शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 13,000 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 150 रिजल्ट विल बी 9750 लेस लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ 150 फॉरफिटेड शेयर। जब हम लोग इस शेयर को रीइश्यू किए थे तो हमको कोई लॉस नहीं हुआ था, उल्टे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था 5 रुपया, बट दैट प्रॉफिट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो प्रॉफिट अलग होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जाना जाता है, उस प्रॉफिट का इस शेयर फॉर फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली आवर आंसर इज 9750 9750 9750। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कैपिटल रिजर्व निकालने का वे, और ये हो गया हम लोग का एंट्री। यहां देखिए फॉर फ्यूचर में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लाए हैं, रीजन ये शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल नहीं किया है, कॉल फेल किया है, कॉल फेल करने का मतलब हो गया कि हम लोग को प्रीमियम का पैसा रियलाइज कर चुके हैं, हम लोग प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिए हैं, वो अपना अलग इनकम हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर में 13,000 आया था, एक ही शेयर होल्डर था जो कॉल का 35 नहीं दिया, तो इसका मतलब वो दिया कितना, अगर आप नंबरिंग से वर्किंग करना चाहें तो 200 शेयर पे फाइनल कॉल का 35 नहीं दिया तो दिया 65। अगर आप यूनिटरी मेथड से प्रॉफिट निकालना चाहें तो भी पॉसिबल है, कैसे, एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ 65 रुपीज, तो 150 शेयर हम लोग सेल आउट किए हैं, तो 150 शेयर पे प्रॉफिट कितना होगा, 9750, कोई लॉस तो हुआ नहीं था। ऐसे करके ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए, उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब कैशबुक बनाने को बोल देता है तो कैशबुक को लास्ट में क्लोज करना पड़ता है, इसको डेबिट करेंगे 387,500, 7,50,518,000, और ये री इश्यू हुआ था 1,50,000,
और 750 रुपया 1806250 ये यहां आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी माइनस 12500 1793750 ठीक है। तो कैशबुक को बाई बैलेंस सीडी करके क्लोज करते हैं। कैशबुक बनाने का मतलब हुआ बैंक से रिलेटेड एंट्री कैशबुक में ले जाना होगा और जिस एंट्री का बैंक से रिलेशन नहीं है वो जर्नल में आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।